जिस तरह से बीजेपी का सारा खेल ही बिगाड़ दिया डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ मिलके, बीजेपी चारों खाने चित्त है। ये तो बिहार में जो हुआ ये तो झांकी था, असली फिल्म 24 का अभी बाकी है। तो आगे आगे अभी देखिए, अभी बहुत सारा खेल दिखाएंगे बीजेपी को। कहाँ पड़े हुए हैं बीजेपी वाले चाचा भतीजा के चक्कर में? चाचा भतीजा तो बीजेपी को वो पाठ पढ़ाएगा। अभी तो बिहार में दिखाया है खेल, अभी देश का खेल होना, बीजेपी को सिंहासन बीजेपी से खाली कराना। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति में इन दिनों उठा पटक शुरू है, ऐसे में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री का रास्ता साफ होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके लिए जो है समस्या खड़ा हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार की दावेदारी कर रहे हैं और बैठक भी की है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हुई, हालांकि उसमें कुछ रास नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के उन अनुभवी नेताओं में हैं जो बीजेपी को खुली तौर पर चुनौती दे रहे हैं, और जो बिहार में हुआ बिहार ने देखा, अब 24 में देश देखेगा। जिस तरह से बीजेपी का सारा खेल ही बिगाड़ दिया डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ मिलके, बीजेपी चारों खाने चित्त है। जहां तक है विपक्ष को एकजुट करने की बात, आदरणीय नीतीश कुमार जी देश के राजनीति के एक ऐसे चेहरे के रूप में हैं, तो सबको पता है, चाहे जो भी विपक्षी पार्टियां हैं सबको वो एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी को 2024 में देश की सत्ता से बेदखल करेंगे। देश को बचाने, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए, गरीब गुरुओं की, आम लोगों की के हक और हकूक के लिए ये जरूरी हो गया है। ये पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, चंद मुट्ठी भर लोगों को का ध्यान रखने वाली इस सरकार को अब हटाया जाए। अच्छे दिन का सपना दिखा करके बुरे दिन ला दिए। देश पूरा त्राहिमाम कर रहा है, आम लोग परेशान हैं। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी की अहम भूमिका होगी, और 2024 में किसी भी कीमत पर बीजेपी मुक्त भारत का, जो आम जनों का, गरीबों का, मजदूरों का, नौजवानों का, किसानों का सपना है, भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। आप भाजपा मुक्त कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि देश में तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वह बेंग के समान हैं। देखिए, बीजेपी जो भी कहे, लेकिन ये भारत जलाओ पार्टी, सबको पता है कि पूरी तरह से बिहार में जब से खेल बिगड़ा है, नींद हराम है, नींद नहीं आ रही है, बीजेपी का चैन, नींद सब छीन लिया। महागठबंधन की सरकार बनी है, अब देश में इसकी तैयारी है, बोल रहा पूरा हिंदुस्तान, अब 24 में सिंहासन खाली करो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो सिंहासन पे बैठ करके नौजवानों, गरीबों, देश के लोगों के साथ अत्याचार, अन्याय किया है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों का सवाल हो, तो बोल रहा पूर्ण। लेकिन आप कह रहे हैं कि देश देश में जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वह बेरोजगारी और युवाओं की बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन विपक्ष के तरफ से कहा गया है, बीजेपी ये कहा कि दूर दूर तक के कोई भी वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री की। अरे, उतना दूर जाने का क्या जरूरत है? ये लोग तो एक दिन पहले तक बोल रहे थे कि बिहार में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कैसा खेल हुआ? तो देखिए, अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू है। अब 24 का ये तो बिहार में जो हुआ ये तो झांकी था, असली फिल्म 24 का अभी बाकी है। तो आगे आगे अभी देखिए, अभी बहुत सारा
खेल दिखाएंगे बीजेपी को। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को जिस तरह से तार के पेड़ पर चढ़ाने का काम कर रहे हैं और वो पटेंगे तो वहाँ से कोई डाल भी नहीं मिलेगा। अब ये सब वो बोलते रहे, उनको सदमा जो लगा है बिहार में झटका। कहा कि बहुत सलीके से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को किनारा करने में लगे हुए। अरे कहाँ पड़े हुए हैं बीजेपी वाले चाचा भतीजा के चक्कर में। चाचा भतीजा तो बीजेपी को वो पाठ पढ़ाएगा। अभी तो बिहार में दिखाया है खेल, अभी देश का खेल होना, बीजेपी को सिंहासन बीजेपी से खाली कराना बाकी है। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे राजद प्रवक्ता मिथुन तिवारी। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।